नाम कर ले। माँ का नाम से 2017 मार्च महीने से आपके ऊपर बंधन है, जिसकी वजह से तुम्हारे को सर ऐसा लगता है जैसे कोई जोर से दबा रहा हो, रात के समय कांटे चुभे जैसा लगता है, जैसे कि होने का रात में आपको एहसास होता है। शरीर आपका पूरा सूख रहा है, इस वजह से आपका जो चमड़ी है शरीर की, वो क्या बोलते हैं उसको, यानी जिसमें सवाइल से ले जाना, क्या बोलते हैं, ट्राई होते जा रही है इस समय, ये 2 साल में आपके साथ इस तरह हो रहा है। और इस जो आपका लक्ष्मी बंधन है वो हुआ है, आपके 4 पितर आपके घर में चल रहे हैं जो आपके नेगेटिव चल रहे हैं, आपके सारे काम बिगाड़ रहे हैं इस समय। घर में गृह क्लेश चलते रहता है, पैसा टिकरा नहीं, पैसा आपको मिलना नहीं, दोनों बात होगी। आपके छाती में यहाँ पर कभी कभार सुई छुपा जैसा दर्द होता है, उठता है ना, वो उसी वजह से उठ रहा है। और सेल का जो काटा आपको मालूम है, सेल पता है ना, नहीं पता, एक जानवर होता है सेल, उसका काटा होता है, आपके पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर वो पुतला बनाया गया, और उसके छाती में जब जब वो काटा चुभाया जाता है तब तब आपको वो काटा उठता है। ज़्यादा समय नहीं होता है, 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। और आपको जो है मांसपेशियों में भी दर्द, यहाँ से नीचे से आपको दर्द रहता है, बंद रहता है, क्या आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको बहुत मारा हो, ऐसा दर्द अंदर बैठा हुआ रहता है, ये इसी वजह से। आपके पीछे 4 बुरी आत्माएँ लगी हुई, 4, एक छोड़कर 4, क्या करना है उसको, लेके जाना है साथ में, निकालना है, इतने दिन रखे और एक दो रख लें, 2-4 दिन काम की नहीं, क्या करें, काम लेना है। देखो इनको साथ में रहे चलता, लेकिन काम करे ऐसा नहीं, तो नहीं चलता, नहीं चाहिए ऐसे, काम करे तो भी नहीं चाहिए। चलो सर के ऊपर इसके ऊपर जो वाहन दुर्घटना का जो प्रयोग किया गया है उसका भी काट करें। लोहे की चीज लेकर जो इसके ऊपर क्रिया की गई है, ताकि लोहे से इसे हमेशा नुकसान हो और लोहे से अकाल मृत्यु हो, इसलिए की गई, उसका भी काट कर दीजिए। इसका सूखा रोग ठीक किया जाए, धातु को भी ठीक किया जाए, रोका जाए, धातु रोग ठीक करे, वात रोग इसका ठीक करे। जो 4 इसके पितर घूम रहे हैं इसके घर में, उनको बंधन में लिया जाए, हवन कुंड में बंदिश करके रखा जाए। एक जो बेताल है जिसके साथ इस वक्त उसे बंदिश में किया जाए, वीर है उसे भी बंदिश में लिया जाए, और एक पिशाची जी है उसको भी बंदिश में लिया जाए। एक बाबला भूत है उसे भी बंदिश में लिया जाए।
मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री कति से कति बार चलाना है पूरे शरीर के ऊपर। पूरा इसका बदन का दर्द खींच लिया जाए, हवन कुंड में डाला जाए। ये जो चलते चलते सोच में डूबा रहता है, इसकी सोच को बाहर निकाला जाए, इसे भी हवन कुंड में डाला जाए। सोचने और समझने की क्षमता को इसके बढ़ाया जाए। नरसिंह कात्री को 31 बार पूरे शरीर के ऊपर चलाना है। अब लक्ष्मी बंधन पूरे काट देने हैं इसके। महिलाओं के केस को लेकर जो इसके ऊपर क्रिया है उसे भी निकाला जाए, काट दिया जाए। जो पुतला इसका बनाया है उसे भी निकालिए, सेल के कांटे को तोड़कर उसे भी हवन कुंड में डालिए, पुतले के भी टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में डालिए। त्रिकात्री को 31 बार इसके शरीर के ऊपर चलाना है। ब्रह्मकात्री को 108 बार पूरे शरीर के ऊपर चलाना है। गजाकात्री को 31 बार पूरे शरीर के ऊपर चलाना है। ब्रह्मगण मंत्र को 31 बार पूरे शरीर के ऊपर चलाना है। 108 का गण मंत्र 3 बार इसके शरीर के ऊपर चलाना है। माता 84 का गण मंत्र 108 बार पूरे शरीर पे चलाना है। लक्ष्मी बंधन पूरी तरह से काटा जाए। तंत्र काट की सारी अशुद्धियों को उठाकर हवन कुंड में डाला जाए। माता सारी अशुद्धियों को हाथ नीचे करें, इधर आए, इधर आए, गिरेगा था वहां पर 151 बार उतारना है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और हवन कुंड में फेंकना है, पानी आधा डालना है आधा पी लेना है।